तो पहले पार्ट में हमने देखा किस तरीके से हम गुवाहाटी से पटना पहुंचे। जा रही है शामक उट्टा मुंबई जनता। थर्ड एसी देख लो भाई, क्या हालत है। देखो भाई की दुकान कितना दूर है, आउटर पे खड़ी है प्रयागराज की गाड़ी, और यहाँ पे भाई को आवाज देके चाय पीने के लिए बुलवा लिया। बिस्कुट भी लिया, बिस्कुट। बक्सर जिला का दरबार, कौन बात का दरबार? चंबल एक्सप्रेस ग्वाली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रह्मपुत्र मेल के पार्ट टू के अंदर। पार्ट वन में आपने देखा कि हम कैसे गुवाहाटी से पटना तक पहुंचे। अब आपको दिखाएंगे पार्ट टू के अंदर कि पटना से दिल्ली हम किस तरीके से पहुंचते हैं, क्या क्या ट्रेन में करते हैं, और पटना रेलवे स्टेशन कुछ इस तरीके का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे आपको हर चीज़ की सुविधा मिल जाएगी। बात करें नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की तो टोटल प्लेटफॉर्म है यहाँ पे 10, और एक दिन में 130 ट्रेनों का यहाँ पे भाई हॉल्ट है, और 90 ट्रेन जो है यहाँ से बन के चलती है। बाकी भाई यहाँ पे ना ये देख लो आप, भीड़ जो है बेहिसाब होती है, काफ़ी बहुत सारे लोग जो है पटना आते हैं। बाकी देख सकते हो आप कितने ही लोग पटना के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये देखिए पटना जंक्शन से ये देखो भाई सामने खड़ी है अपने पटना छत्रपति शिवाजी सुविधा एक्सप्रेस। ये देखो भाई पेड़ वेड़ पौधे वोधे बाकी लोग डब्बे वाली की है ओरिजिनल अपने हाथों से बनाई है ना। लाओ लाओ लाओ, नहीं ये काली भैंस होती है। और लाओ भाई काली भैंस के दूध की चाय। ये चाय पी रहे, और भाई देखो हमारी पूरे मतलब कोच में भर चुके हैं यात्रियां। देख लो भाई आपको बता दो, अभी जो है बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो अभी नहाते हैं, और तो अभी जो है नहाते हैं ट्रेन के अंदर और फिर होते हैं बिल्कुल फ्रेश। और तो भाई पटना पार होने के बाद हम कर रहे हैं अपना लंच, और लंच लिया है पैंट्री कार से, जिन्होंने हमें कल की तरह ही पनीर दी है, लेकिन अब इसके अंदर 2-4 पनीर के पीस ज़्यादा एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, और दाल भी थोड़ी सी कल से गाढ़ी हो गई है, बाकी वही आलू है और वही रोटी है। तो भाई कल जैसे दिए थे रोटी, कल जो दिए थी पराठे दिए थे, और आज दिए इन्होंने रोटी। बाकी खा के देखते हैं एक बार टेस्ट करके। ठीक है भाई खाना खाने लायक है, बस थोड़ा रखे रखे ठंडा हो गया। ओके भाई खाना, ये देखो भाई आज जो खाना था भाई, कल कंप्लेंट करी थी रात को कि खाना कल बहुत बेकार था, उस चक्कर में आज खाना इन्होंने इतना बढ़िया दिया है कि पूरा खाना खत्म कर दिया भाई। बिल्कुल देखो बढ़िया खाना दिया था आज, मतलब बाकी भाई भीड़ देखो आ रहा पे, क्या भीड़ हो रही है ये देखिए। तो पहुंच गए हैं बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर। तो कहते हैं आरा जिला घर बा, तो कौन बात का डरबा। तो भाई पहुंच गए हैं आरा, और इसका स्टेशन कोड है, जो स्टेशन का नाम है ARA। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म है, लेकिन
215 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है भाई, और 9 ट्रेनें जो है यहाँ से बनकर चलती है। बाकी देख सकते हैं कुछ इस तरीके का अपना आरा रेलवे स्टेशन। देखिए भाई यहीं पे खुले में ही कर रहे हैं शौच। अय हाय चचा नहीं। बाकी देखो भाई कुछ इस तरीके का अपना आरा रेलवे स्टेशन। तो आइए चलते हैं आरा। आ जाओ बाकी भाई अपनी ट्रेन जो है निकल चुकी है आरा स्टेशन से। देखिए ये देखो भाई हाथ में समोसा लेकर जा रहा है ऐसे ऐसे करके गरम गरम। चलो भाई सारा माल तो यहीं रह गया, सारा दूध का माल यहीं रह गया। बाकी ये निकल गए भाई आरा रेलवे स्टेशन से। ये देखो भाई सामने खड़ी है साउथ बिहार एक्सप्रेस जो आरा से दुर्ग के बीच में चलती है। बाकी देख सकते हो भाई अभी हम कर रहे हैं आरा स्टेशन को क्रॉस। ये लो बाकी गर्मी इतनी है कि धूप में लोग बागों को छाता लेकर चलना पड़ रहा है भाई, इतनी गर्मी हो रही है यार क्या बताऊं तुम्हें। ये देखो और एक चीज़ नोट करो, देखो भाई सामने ट्रेन आ रही है और पब्लिक जो है ट्रैक पर ही चल रही है। वो देखो भाई हट जाओ, अरे गाड़ी आ रही पीछे। ये देखो भाई खौफ देखो एक बार, ट्रैक पर ही चल रही है पब्लिक। और ये देखो भाई ये बंदा आ गया। ये देखो ट्रेन खड़ी है यहाँ पे सवारी गाड़ी समस्तीपुर जयनगर पटना होते हुए, और पब्लिक जो है यहीं से उतर के पैदल पैदल जा रही है। ये देखो पेपर देके आ रहे हो हिंदुस्तान हिंदुस्तान में किस चीज का दुर्घटना घर घर कितना है। अच्छा पेपर डाल के आ रहे हो आप, अच्छा समझ गया। बक्सर उतरोगे हैं, बढ़िया है भाई, अपना भाई है बक्सर उतरेगा, पटना से चढ़ाता है। कहाँ से डाल के आ रहे हो? पटना से। तो देख लो भाई इस तरीके से लोग जो है सफ़र करते हैं और अपना डेली का रूटीन पटना से बक्सर डेली चलते हैं, पेपर डालते हैं, है ना। बढ़िया। तो तुम्हारा घर बक्सर जिला का दरबा से कौन बात करता है? बक्सर जिला खरबा तो कौन बात का दरबा? हाँ है ना, सही कह रहे हो ना। तो देखो भाई ये जो अपना ये उतरेगा बक्सर, बाकी अपना भाई बहुत मेहनत करता है, पेपर वेपर डालता है पटना में। तो देखो भाई व्यू देखो, पहले क्या यार व्यू देखो, क्या जबरदस्त व्यू है यार, वाह। ये सारा चावल है क्या? पैसेंजर से उतर के ट्रेन में चढ़ रहे हैं लोग भाग देंगे, क्योंकि जिनको बक्सर जाना है वो लेट जाएगी पहले। चलो भाई चलो, आओ आओ बक्सर वाले आ जाओ भाई, बक्सर वालों चलो आओ 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो भाई चलो कितने आएंगे, चलो 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 भाई। थर्ड एसी देख लो भाई क्या हालत है। सारे पैसेंजर में जाते हैं ना ये उसमें, और सारे इसमें आ गए पहले जाएगी है ना। ये पता नहीं ये पता कितने ना अभी आ रही है। अच्छा जी बताओ ना बाबू आगे बढ़ो आ जाओ। चलो बढ़िया देखो भाई ट्रेन अभी आ रही है, सुबह की ट्रेन अब आ रही है 10 बजे का इसका टाइम है। अच्छा जी पैसेंजर है ऐसी है, पैसेंजर का हाल ऐसी होता है। अब ये अभी जल्दी पहुंच जाओगे बक्सर है? 10 मिनट का रास्ता, 10 मिनट में पहुंच जाओगे बताओ। एक आधे घंटे से यहीं खड़ा कर रहा था। हां जाइए जी आ जाओ हैं कोई है गया इनका शायद कोई है गया इनका।
लगभग 1250 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अपनी ट्रेन आ पहुंची है मुगल सराय पे, जिसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय। बाकी देख दीदी ये देखो भाई कितनी भीड़ ले लिया, पैसे नहीं दिए। तो भाई DDU कुछ इस तरीके का अपना दिखता है स्टेशन, ये देखिए। आपको बता दूं भाई DDU रेलवे स्टेशन पर टोटल 8 प्लेटफॉर्म है और टोटल 388 ट्रेनों का यहाँ पे डेली अप डाउन है। ये देखो भाई बारिश भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। बाकी देखो ये देखो भाई जो है जबरदस्त मौसम हो गया। अभी ट्रेन जो है निकल चुकी है DDU रेलवे स्टेशन से। ले लो भाई उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। भाई ये है अपना मिर्जापुर रेलवे स्टेशन। अपनी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट था, जैसे ही उतरे वीडियो बनाने का तो टाइम मिला नहीं, लेकिन जैसे उतरे वैसे अपनी ट्रेन जो है यहाँ से चल गई। और भाई ये मिर्जापुर वही है जिसके ऊपर वेब सीरीज बनी हुई है। ये देखिए उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर। ये देखो भाई और वो सामने से एक जबरदस्त स्पीड में ट्रेन आ रही है भाई, ये निकल रही है। चंबल एक्सप्रेस ग्वालियर से हावड़ा, ये देखो भाई चंबल एक्सप्रेस। ये गई भाई अपनी चंबल एक्सप्रेस। बाकी ये सब है भाई मिर्जापुर। अभी गई थी अपनी फुल स्पीड के अंदर नॉर्थ ईस्ट, अब कौन से आ रही है सामकुट्टा मुंबई जनता। बाकी भाई रेलवे ट्रैक पे चल रहा है काम, इस वजह से अपनी ट्रेन जो है थोड़ी धीरे धीरे चल रही है। बाकी पब्लिक जो है यहीं पे बैठी हुई है। देखो अब ट्रेन धीरे निकलेगी थोड़ी यहाँ से। अब कोई नहीं आएगी,
प्रयागराज छिपकी। तो भाई ये आ गई है अपनी गंगा जी, जिसे कहते हैं इलाहाबाद में संगम। ये देखो संगम का घाट, वो देखिए। क्या हो गया, पलक नहीं आ रहा क्या? रुक गया मेरा, अब दूसरा पिन लगाइए। पता मैं क्या करूं, इनका भी लगाया था ना आपका भी? मैं भी लगाया था। मेरे भी एक बार दिखाइए मुझे लाइट करके। ओरिजिनल चार्जर है एप्पल का, चार्जर तो ओरिजिनल है। पिन छोटा है इस वजह से चार्ज नहीं हो पाता। देख लो भाई एक बार, बाकी सारे सही चल रहे हैं। वही ने बोला पिन का तो उसमें भी आईफोन का क्या आप कोई उधर भी वो भी चलेगा। ये देखो भाई सामने अपनी सीट के दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई मत करो यार। तीन चाय दे दो, तीन चाय बढ़िया है ना, दे दो भाई। देखो भाई की दुकान कितना दूर है, आउटर पे खड़ी है प्रयागराज की गाड़ी, और यहाँ पे भाई को आवाज देके चाय पीने के लिए बुलवा लिया। बिस्कुट भी लिया, बिस्कुट। एक बिस्कुट, एक बिस्कुट, अब मिठाई लिया, मिठाई ये लो भाई, था पियो चाय। बाकी कप भाई बहुत छोटा, देखो हाथ में लेते के साथ ही चाय खत्म। खाओ 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 भाई, 10 रुपए। अरे देख रहे भाई, ये देखो चाय। कितने लोग हैं? दे दे भाई। थैंक यू, थैंक यू। एक कप दे दे, कप दे दे खाली मेरे, किससे ले लूंगा दी। भाई कितने लोग हैं? तुम देख क्या हो रहा है, चाय बढ़िया है। बाकी पीछे भी देख रहे थे, अगली बार दे दियो, अगली बार। अब जब भी गाड़ी दोगे ना, उसके ऊपर ही चिल्लाना है। यहाँ रेस नहीं होगी भाई। अरे क्या हुआ भाई? हाँ? 1400 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है माँ गंगा और माँ यमुना के संगम यानी प्रयागराज में। इसका पुराना नाम इलाहाबाद था और इसको चेंज करके अब प्रयागराज कर दिया गया है। स्टेशन कोड की बात करें तो भाई स्टेशन कोड है PRYJ। 262 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है और 16 ट्रेनें यहाँ से बनकर भी चलती है। बाकी देख लो भाई इस तरीके का है अपना प्रयागराज रेलवे स्टेशन, ये देखिए भाई। और टोटल अपनी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है। ये ऑफिशियल हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है प्रयागराज रेलवे स्टेशन से। नमाज भी पढ़ रहा था। आइए भाई ये देखिए, क्या कह रहे हो? बाकी भाई निकल चुकी है अपनी ट्रेन प्रयागराज से। और आपको बताता हूँ, प्रयागराज आप कभी भी आते हैं तो यहाँ पे भाई संगम में जाना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जगह है और आप यहाँ पे माँ गंगा के दर्शन भी कर सकते हैं। बाकी देखो भाई कुछ इस तरीके का है अपना रेलवे स्टेशन प्रयागराज। प्रयागराज चलो भाई, टोटल 10 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद अपनी ट्रेन जो है निकल चुकी है प्रयागराज रेलवे स्टेशन से।
क्या बिक रहा है भाई खाने में? कितने की है? 100 रुपए। मस्त है, मस्त है। तो भाई बहुत बढ़िया बिरयानी बिक रहा है, अभी खा के चेक करिए। मैंने 100 रुपए में मजा आ गया इसकी बिरयानी खा के। दो अंडे भी देना उसके अंदर। चल भाई बढ़िया है, मजे ले, ऐसे बेचता रहा है। बढ़िया बढ़िया बिरयानी। तो भाई बिरयानी बहुत ही अच्छी थी, 100 रुपए में खाई और पूरा मजा आ गया। बाकी ये भाई जो है ये कोच का अटेंडेंट है, और ये भाई भी बहुत बढ़िया अपना काम कर रहा है। जैसे कोई पब्लिक आ जाती है तो चोरों का भी ध्यान रखता है ये भाई। मैंने इसको बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, ये बंदा यहाँ से गेट से हटता नहीं है, ना किसी को चढ़ने देता, ना आलतू फालतू लोगों को घुसने देता। बहुत बढ़िया है भाई। लगभग 10 बज चुके हैं और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के कानपुर रेलवे स्टेशन पर। अभी तक अपनी ट्रेन की टोटल जर्नी हो चुकी है, कम से 1600 किलोमीटर की जर्नी तय कर चुकी है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस। बाकी भाई यहाँ पे कानपुर में खाना बुक किया था ऑनलाइन, लेकिन अभी तक वो भाई जो है खाना लेके आएगा हमें अभी तक दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। और लगा लो अगर वो नज़र नहीं आया तो आज की रात हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। तो देखते हैं वो भाई हमें खाना दे देता है या नहीं दे पाता है। अब उस बंदे को ढूंढना है कि खाना कौन लेके आया है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो टोटल 10 प्लेटफॉर्म है और 238 ट्रेनों का यहाँ पे स्टॉप है, और 33 ट्रेनें जो है यहाँ से बनकर चलती है। खाना जो है अपना पहुँच गया अपनी सीट पर, वो राहुल था अंदर, राहुल ने पेमेंट कर दी और पहुँच गया खाना। मैं बाहर ढूंढ रहा था लेकिन वो भाई अंदर ही पहुँच गया था। अब आपको दिखाते हैं कि खाना कैसा है ऑनलाइन मंगवाने के बाद, आपको बिल्कुल क्लियर रिव्यू देंगे। तो आइए चलते हैं अंदर। बाकी आपको बता दो भाई, अपना खाना जो है अपनी सीट पर पहुंच चुका है और आपको दिखाएंगे बिल्कुल एकदम असली, और बिल्कुल आपको दिखाएंगे एकदम बिल्कुल ओके वाला रिव्यू खाने का, कि ऑनलाइन जब आप खाना मंगाते हैं तो आपको कैसा खाना मिलता है, गर्म होता है ठंडा होता है। खाना बाकी अपना पैक होके रखा हुआ है, बस अपनी ट्रेन चले और उसके बाद हम खाना अपना स्टार्ट करेंगे। बाकी 5 मिनट का ऑफिशियली स्टॉप है अपना कानपुर रेलवे स्टेशन पर। भाई 5 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है कानपुर रेलवे स्टेशन से। आजा 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 आजा। समोसे रख रहा भाई, बढ़िया। तो भाई अभी बताते हैं आपको, ये जो खाना, ये ऑनलाइन खाना मंगवाया है और इसके अंदर देखो क्या क्या दिया है हमें। ये है आलू, और ये है कढ़ाई पनीर, और ये है दाल मस्त, और चावल भी बड़े मस्त लग रहे हैं देखने में। बाकी चपाती जो दी है भाई, ये दी है घी लगी हुई। बाकी जो है अभी लेते हैं अपने दम आलू, एक नंबर का टेस्ट है भाई खाने का। अगर आप भी सोच रहे हैं कि कानपुर साइड से कभी ऑनलाइन खाना मंगाना और आप डर रहे हैं कि आपको कैसा खाना मिलेगा, तो बेफिक्र होकर ऑनलाइन खाना मंगवा लीजिए। खाना जो है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा आपको मिल जाएगा, और मात्र 140 रुपये के अंदर। भाई अभी टाइम लगभग 11 बज चुके हैं और पूरी ट्रेन में सब यात्री सो गए हैं, तो अब थोड़ा हम भी रेस्ट करते हैं और आपको मिलते हैं अब सुबह सीधा दिल्ली के अंदर, क्योंकि अपनी ट्रेन का जो दिल्ली पहुंचने का टाइम है भाई वो है सुबह 4:45 पर। मतलब सुबह ही दिल्ली पहुंचेंगे और वहीं आपको मिलेंगे। तो जब तक के लिए सभी को गुड नाइट, अब मिलते हैं आपको दिल्ली में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों,
सुबह सुबह हम पहुंच चुके हैं देश की राजधानी दिल्ली में, और हमारी जो ब्रह्मपुत्र मेल थी वो अपने आज पहुंची है लास्ट डेस्टिनेशन पे। बाकी साथ में अपना मकसूद भाई है और ये भाई पहली भी बार संजय भाई से मिलकर पहली बार कांटेक्ट पहले से था, लेकिन पहली बार बाकी अच्छा लगा भैया से मिलकर। बाकी बढ़िया बंदा है भाई, और बाकी साथ में राहुल है और साथ में अपना विशाल भाई है। विशाल भाई यहाँ से बाय बाय है भाई। संजय भाई के साथ सफर करके बहुत अच्छा लगा भाई, एंड जल्दी नेक्स्ट मंथ भी संजय भाई के साथ सफर करेंगे भाई, एकदम दिगड़म मचाएंगे भाई ट्रेन। तो भाई मतलब अब सफर साथ में ही होने वाला है सब भाइयों के, और आपको बता देता हूँ ये जर्नी आपको कैसी लगी मुझे मैसेज करके जरूर बताना। बाकी आपकी जिम्मेदारी है रेल को स्वच्छ और साफ सुथरा रखना, तो वही रखते हैं और आगे भी रखते रहेंगे। बाकी जर्नी कैसी लगी मुझे मैसेज करके बताना, मिलते किसी और सफर में किसी और जर्नी में, जब तक के लिए सभी को धन्यवाद।